सो गाइस, अभी आईपीएल का सीज़न है और मतलब काफ़ी सारा क्रिएटर ने आईपीएल रिलेटेड वीडियो बनाए हैं। हालांकि मैं भी बनाया हूँ, मेरे भी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आया है। उसमें मतलब कॉपीराइट स्ट्राइक गाइडलाइन कुछ नहीं आया है, जो कम्युनिटी गाइडलाइन होता है वो भी नहीं आया है। लेकिन देखिए गाइस, किसी किसी वीडियो में कम्युनिटी गाइडलाइन आ जा रहा है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ रहा है, फेक कॉपीराइट आ रहा है और कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ रहा है। तो इसका रीज़न क्या है? किससे मतलब क्या करने पर आपको वीडियो पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक और कॉपीराइट स्ट्राइक ये सब आता है गाइस? तो गाइस, मैं एक सिंपल सा एक बात बता देता हूँ आपको गाइस। देखिए गाइस, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, यानी टेक्निकल योगी हो, ये टेक्निकल योगी सर हो सकता है, जुन्नू की टेक हो सकता है, जो भी हो, जो वीडियो बना रहा है उसको सेम बराबर कॉपी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन लोग कॉपीराइट नहीं दिएगा और कॉपीराइट देने का उन लोगों को हक भी नहीं होगा, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं सेम वही तरह बोलो, प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि वो अपना मुख से बोल रहे हो, अपना खुद का कंटेंट है, आप बोल रहे हो, ठीक है गाइस। लेकिन किसी ने ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब पर डाल के रखा है, उसको अगर आप डाउनलोड करके अपना चैनल में डालोगी, थोड़ा भी क्यों ना लो, वो उसको हक बनता है आपको वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक, कॉपीराइट क्लेम ये सब देने के लिए। और अगर आप थोड़ा भी गलती करोगी, यूट्यूब की खिलाफ करोगी, तभी आपको जो कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दे देगा गाइस। तो इसीलिए आपको किसी को कंटेंट यूज़ नहीं करना है, आप खुद का कंटेंट यूज़ कीजिए। भले आपको दो चार व्यूज़ कम आए, लेकिन आप खुद का कंटेंट यूज़ कीजिए गाइस। तो इतना कुछ ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को साथ शेयर करना था, क्योंकि काफ़ी सारा भाई ने अभी फ़िलहाल इसी रिलेटेड वीडियो बना रहा है। इसीलिए गाइस, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम। নিজের স্বার্থের জন্য অন্যের সাজানো স্বপ্নগুলো ভেঙো না, কারণ স্বার্থ মিটে গেলে তুমি হয়তো চলে যাবে, কিন্তু সে তার স্বপ্নগুলো আর সাজাতে পারবে না।